स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं उगा सिंह और फाइनली आज हम लोग बात करने वाले हैं नए इवेंट के बारे में। तो गाइस ये इवेंट अभी आया है, मतलब रात 9:30 बजे आया था और हम लोग बताने वाले हैं कि इवेंट कब तक चलेगा। तो भाई बेसिकली बता रहा हूँ ना, ये लंबा चलने वाला इवेंट है, पूरा 1 हफ्ता चलेगा, 7 दिन चलेंगे। तो जिन जिन भाइयों को अच्छा एक SR मेगा चाहिए होता है तो वो यहाँ से सेव करना शुरू कर सकते हैं। VIP 0 के लिए तो शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा 100 पहुँचने में, पर VIP 1, 2 एटलीस्ट 2, ठीक है 1 भी नहीं हो पाएगा शायद, पर 2 या फिर जिन जिन लोगों ने 1 के एनर्जी शुरुआत में ही सेव कर लिए थे वो 100 इवेंट आइटम्स तो पहुंच सकता है। ये 12-12 वाला इवेंट आइटम है और ये मतलब लंबा चलेगा, आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। हमें क्रिस्टल स्पिन देखने को मिला है, उसके बाद इवोल्यूशन स्टोन स्पिन देखने को मिलेगा, उसके बाद हमें जी रिम्स शर्ट्स के उसके जो रिम्स के हैं वो वाले स्पिन देखने को मिलेंगे। बात करते हैं पोकेमोन की, तो पहले 3 पोकेमोन यहाँ से कभी नहीं लेने चाहिए क्योंकि वो तो आप ऐसे भी ले सकते हो बाहर से सर्च कलेक्ट करके, या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट वर्ल्ड में पकड़ के ले सकते हो, जैसे चारिजार्ड था या फिर हमारा एप्सोल है। ये तो आप सर्च करके मतलब कलेक्ट करके लेना पड़ेगा, पर नया जो एप्सोल है मैं सच बताऊँ ना वो थोड़ा बेहतर है कम्पेयर टू नॉर्मल एप्सोल, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट आपको देखने मिलता है जो है फ्लाइंग टाइप का, और यहाँ पर आटो मूव भी तो सही है पर वो स्पेशल अटैक टाइप है। मेरे को पता नहीं क्यों एक अटैक टाइप होगी उनको स्पेशल अटैक टाइप मूव दिया गया, सेम प्रॉब्लम हुई जोरोआर। उसके आटो मूव में ये डिफेक्ट है कि वो डिफेंस -1 करता है रेदर देन स्पेशल डिफेंस -1 करने के, कोई ना। बबल गजाम ये बहुत ही सही है, स्पीड बहुत अच्छा है, मैजिक कोड वगैरह सारे इनके पास होते हैं। पर बात करते हैं इंपॉर्टेंट पोकेमॉन्स की जो यहाँ से शुरू होते हैं। ओरिजिनल पिंसर ये बहुत अच्छा पोकेमॉन होता है, पर अगर आप बग सूट यूजर हो आपको अपने टीम में अच्छा स्ट्रॉन्ग टाइप पोकेमॉन चाहिए तो पिंसर पे आप हमेशा जा सकते हो। पर एक चीज़ याद रखना, स्लेथरॉक्स के अगेंस्ट ये 4 गुना ज़्यादा कमज़ोर होती है, या फिर रॉक टाइप मूव्स के अगेंस्ट ये 4 गुना ज़्यादा कमज़ोर होता है, और ये इसकी एक बहुत ही गंदी वीकनेस होती है। मतलब स्लेथरॉक्स बिछा है आप अपना पोकेमॉन लेके तो आपकी आधी HP कट जाती है। पर पिंसर अटैक ठीक होता है, ब्रिक ब्रेक होता है इसके पास, और इसके पास 1 हिट किल मूव भी होता है, पर इतना खास नहीं होता टीम के लिए। पर हाँ कहीं ना कहीं से यूज़ किया जा सकता है, मैंने मास्टर लीग में भी यूज़ किया था शायद। हाँ अच्छा पोकेमॉन है, बेसिकली यूज़ करने जाओ तो हर पोकेमॉन इस्तेमाल करने लायक होता है, पर एबिलिटीज़ और मूव्स एक पोकेमॉन को ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। एबिलिटीज़ की बात करो तो इसके पास इतना कुछ खास नहीं है और मूव्स भी इतने कुछ खास नहीं है, तो इसीलिए पोकेमॉन इतना कुछ खास नहीं है, पर चलेगा एवं ही है बस। अब नेक्स्ट पोकेमॉन की बात करें तो गाइज वो है हमारा न्यू जो एरोडैक्टाइल है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, मतलब गेम में तो सबसे तेज़ पोकेमॉन में से एक यही है या फिर सबसे तेज़ यही है, कोई भी बात करते हैं। इसका मूव्स बहुत ही सही होते हैं, पर मेरे हिसाब से एक इतने तेज़ पोकेमॉन को और ज़्यादा तेज़ बनाने के लिए आटो मूव देना चाहिए था, जैसे कि अटैक करे उसका स्पीड चांसेस हो कि 50% इंक्रीज हो जाए तब और ज़्यादा अच्छा होता है। टेल विंड है इसके पास, इसका डिफॉग है, बहुत सारे मूव्स है और टॉन्ट भी यूज़ कर सकता है, और ये डाकरा से ज़्यादा तेज़ होता है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो डाकरा काउंटर करने के लिए। और उसके बाद हमारा बता कि ये कुछ खास नहीं होता है पर ये सही है, ठीक है, मैजिक कोट है, ग्रेविटी है, बहुत सारे इसके पास अनोखे मूव्स हैं। पर उसके बाद बात करते हैं लैंड्रोस के, ये ग्रास वाला है और ये अल्टीमेट नहीं, ये ओरिजिनल वाला है और ये अल्टीमेट से भी ज़्यादा बेहतर है। क्यों? इसका अटैक गॉड लेवल पे है, मतलब गेम में सबसे ज़्यादा अटैक फिलहाल इसी का ही है, टेराकियोन को भी क्रॉस कर दिया इस पोकेमॉन, इतना ज़्यादा अटैक है। बेसिकली गाइज मैं आपको बताता हूँ कितना ज़्यादा अटैक है, इसका जो मेगा वर्जन है ना वो पुराने लैंड्रोस के R2 वर्जन से ज़्यादा स्टेटस होल्ड करता है, ज़्यादा अटैक होल्ड करता है, ज़्यादा स्पीड होल्ड करता है, हर एक चीज़ उससे ज़्यादा होल्ड करता है। मतलब एक ऐसा मेगा जो SR R2 के R2 से ज़्यादा बेहतर हो, तो आप सोच सकते हो आपको उसको R2 बनाने की ज़रूरत नहीं, आप मेगा बना के टीम एडजस्ट कर लो। और एबिलिटीज़ के बारे में मेरे को अभी तक पता नहीं चला क्या एबिलिटीज़ है, अगर किसी को पता हो एबिलिटीज़ क्या है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि एबिलिटीज़ क्या क्या है इसके पास, इनकेस अगर किसी ने पहले ही दिन एक्सचेंज कर लिया होगा। अगर इसके पास फ्लावर वाइल एबिलिटी होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा, अगर वो नहीं होता स्टार्टिंग में एडेप्टिबिलिटी देते तो भाई ये गॉड हो जाएगा मतलब गेम में, और हर एक हार्ड शूट यूज़र या फिर ग्रास शूट यूज़र इस पोकेमॉन के पीछे पड़ा होगा, यहाँ तक मैं भी पड़ा हूँ। और अगर मेरे को ये पोकेमॉन मिलता है तो मैं घसीट के पटक लुक के मतलब कैसे भी इसको लेने वाला हूँ, अटैक बहुत ज़्यादा है। लीप ब्लेड इसके पास है, स्वॉर्ड डांस, रॉक पॉलिश, बाकी सारे मूव्स भी यूज़ कर सकता है। और भाई अर्थक्वेक तो इसके इंटरनल में ये तो आपको डरने की कोई बात नहीं थी, एक बार रॉक पॉलिश कर लो, स्वॉर्ड डांस कर लो, अर्थक्वेक, उसके बाद क्रिटिकल हिट जी मूव भी होता है, मेरे को जितना नॉर्मली पता है लैंडर्स के पास होता है इसके पास भी ज़रूर होगा। ये देखने वाली बात है कि जी मूव किस टाइप का है, क्या ये ग्रास टाइप का है जो अटैक बूस्ट करता है या फिर कुछ और देता है। अगर अटैक बूस्ट करने वाला जी मूव हुआ तो ये कैरड आएगा, और अगर अडेप्टिबिलिटी है ना, अगर अटैक बूस्ट वाला जी मूव नहीं भी है और अडेप्टिबिलिटी है तो मैं सेटिस्फाइड हूँ पोकेमॉन से। बात करते हैं आगे चल के, हुपा दिया गया है, उसके साथ ग्रीनिंजा भी दिया गया है जो फैटर्स में आते हैं। ग्रीनिंजा R2 में आता है तो उससे स्पेशल अटैक यूजर बनाते हैं जो R2 होता है, बहुत ज़्यादा महंगा फैटर होता है, उसमें बहुत सारे 5 या 6 R2 पोकेमॉन्स होते हैं जो काफ़ी कीमती होते हैं, पर उन्हें बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, वो ईजी है। अगर VIP 0 भी होता है उसे बनाने की कोशिश कर सकते हो, वो शॉर्ट्स वगैरह मिल जाते हैं और इवेंट में पोकेमॉन आते रहते हैं। पर बात करें हुपा की, वो फाइटर्स में काउंट होता है, एक मेगा आपको कैसे भी बनाना पड़ेगा। तो जिन लोगों ने अभी तक मेगा हुपा नहीं बनाया
बना लो, यहाँ से ले लेना, ठीक है। हुपा इंपॉर्टेंट है इस इवेंट में, हुपा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्ड सूट यूज़र और ग्लास सूट यूज़र, आपको अटैकर चाहिए जो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, तो वो है ओरिजिनल लैंड्रोस। अगर आप कैसे भी 150 कलेक्ट कर लेते हो इवेंट आइटम्स, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा इसी वक्त इस पोकेमोन को ले लेना। होल्ड आइटम की बात आप यहाँ पर समझ सकते हो, पहले क्रिटिकल हिट वाला हुआ करता था जो फ्लाइंग वाला लैंड्रोस था, पर वो फ्लाइंग टाइप रहा नहीं है, तो आप फ्रेश ऑनियन का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर बोन का इस्तेमाल कर सकते हो, पर मैं कहूँगा फ्रेश ऑनियन का इस्तेमाल करना, क्योंकि आपको और भी ज़्यादा मूव्स के ऊपर ध्यान देना है, जैसे कि लीप ब्लेड आपके पास होगा और क्रिटिकल हिट उसमें होता है, और ध्यान से याद करो तो आपका जी मूव में भी ग्रास टाइप होगा, और क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि पहला एट्रीब्यूट मेरे को ग्रास दिख रहा है, तो मे बी पहला जी मूव जो होगा वो ग्रास टाइप ही होगा, पर कोई ना, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर फ्रेश ऑनियन रखते हो ना, आपके सारे मूव्स को इक्वल डैमेज दिया, मतलब मिलेगा सारे पोकेमोन, आपका जो पोकेमोन है इक्वल डैमेज हर जगह देगा, कहीं नाइंसाफी नहीं होगी, क्योंकि अगर बोन रखते हो तो आपके ग्राउंड टाइप मूव्स बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे, पर बाकी मूव्स का क्या, उनकी भी जरूरत होती है। कई बार ऐसा होता है गाइस, स्वॉम्पर्ड को मारने के लिए आपको अर्थक्वेक से ज़्यादा लीप ब्लेड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। एक लीप ब्लेड अटैक प्लस टू में भी बड़े से बड़े स्वॉम्पर्ड को मार सकता है, क्योंकि वो चार गुना ज़्यादा कमजोर होता है ग्रास टाइप मूव्स के आगे, चार गुना कहो, दो गुना कहो, जो भी कहो, पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। नए आर्कियस है यहाँ पर और समर डे आर्कियस, उसके साथ साथ हमारे साथ यहाँ पर वोल्कन, हुपा और बहुत सारे पेंगोरू भी हैं, पर ये पोकेमोन हम सब जानते हैं कैसे और क्या क्या इनमें खूबियाँ हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, पर पेंगोरू जो है उसका अनअवेबिलिटी होता है जो मेगा में ही अनलॉक हो जाता है, तो काफ़ी अच्छा होता है कंपेयर टू बाकी सारे पोकेमोन्स। पर एक चीज़ बताओगे, जितने भी पोकेमोन्स अभी आपको दिख रहे हैं ये इतने में ही सीमित रहेंगे, आगे चल के ये पोकेमोन बदले भी जाएंगे, तो जिन मेरे भाइयों या फिर उनके बहनों को अभी तक उनका फेवरेट पोकेमोन नहीं मिला है, तो आप सेव कर सकते हो, आगे चल के ये इवेंट रिपीट होगा और ये पोकेमोन एक्सचेंज होंगे, यहाँ पर इवेंट रिपीट नहीं होगा, इवेंट लंबा चलेगा, पोकेमोन एक्सचेंज होंगे और उसमें मे भी आपको आपके पसंदीदा पोकेमोन देखने को मिल जाए, और हो भी सकता है कि और घटिया पोकेमोन देखने को मिल जाए, तो पर मैं हार्ड जोड़ यूज़र, अगर कोई भी है जहाँ से वीडियो देख रहा होगा, ए सर्वर से हो ना, मेरी बात मानो, ए सर्वर में मेगा ही कैरेट आता है, आटो बनाने की जरूरत नहीं होती, पर आटो होता भी नहीं आपके पास, तो यहाँ पर कोशिश करना इस लैंड्रोस को ले लेने की, ठीक है, एक बार ट्राई करके देखना। अगर सिंपल वाला भी लैंड्रोस ले लिया ना, और जैसे तैसे कोई एक मेगा कर लिया, सिर्फ मेगा ही कर लिया, तो भाई समझ रहो, एक बार रॉक पॉलिश चाहिए आपको और कुछ नहीं चाहिए, कहीं से भी मौका मिल गया रॉक पॉलिश चाहिए, ऊपर से भाई नए पोकेमॉन्स को ना हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, पता ना कौन सा एबिलिटी इसके पास हो और वो कितना ज़्यादा बेहतर हो। अगर फ्लावर वाइल्ड होता है, क्योंकि ग्रास टाइप और ग्रास टाइप के मैक्सिमम एबिलिटीज़ कूल ही होते हैं, बहुत ज़्यादा अमेजिंग होते हैं, और ज़्यादातर तो वही होते हैं डार्क रे काउंटर वाले, जैसे कि फ्लावर वाइल्ड होता है या फिर स्वीट वाइल्ड होता है, अगर वैसे कोई भी एबिलिटी आपके पास होगा, तो एक आपके पास ऐसा पोकेमोन होगा जो डार्क रे इम्यून, मतलब इम्यून भी है, ऊपर से सारी टीम को भी पेल देता है, मतलब एक बार स्वर्ड डांस हो जाए ना, और रॉक पॉलिश, अगर आपके पास रॉक पॉलिश भी हो जाता है ना, आपका जीमो अटैक बूस्ट देता है, तो समझ लो ओपोनेंट खत्म है भाई, वो बस सलग्याली रोक पाएगा आपको, और अनलेस एंड अनटिल सलग्याली का डिफेंस बहुत ज़्यादा होगा तभी रोक पाएगा, क्योंकि आपके पास गॉड लेवल अटैक है। और अगर आप एस सर्वर से हो, एस सर्वर में भी वो पता है कौन बंदा बनाएगा सबसे पहले आटो, टोको आर नाम का बंदा, अगर वो अभी लग भी चुका होगा इसको बनाने में, पर ये बनने के बाद इतना ज़्यादा अटैक होल्ड करेगा, मतलब 240 अटैक है इसका, और भाई स्पीड भी ठीक ठाक है, इतनी गंदी नहीं है जितने कंपेयर टू बाकी पोकेमोन्स, पर ये बहुत ज़्यादा तेज़ है। बात करते हैं नए पोकेमोन्स के साथ, हमें एक्सरस भी दिया गया जो ग्रास एंड ड्रैगन टाइप है, पर ये पहले भी हुआ करता था, पर ये जो लुक है ये थोड़ा बेहतर है और सेम है, मतलब बस यहाँ पर आर्टो मूव जो है वो स्नोरलैक्स जैसा है, डिफेंस प्लस टू करने वाला, पर पहले वाला ज़्यादा बेहतर था। अब यहाँ पर हमें ये एंथरनाटस या फिर जो भी पोकेमोन का नाम है वो भी दिया गया है, पर ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता है, जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, मे बी इसके पास मोल्ड ब्रेकर एबिलिटी है और आपके पास डार्क मैटर जैसा मूव भी होगा, उसके बाद आर टू मूव भी होगा जो इतना ज़्यादा कूल है, तो भाई आपको और क्या चाहिए, आपको जो चाहिए उस पोकेमोन में है, बस आपको उसका इस्तेमाल करना है, वर्ल्ड लीग में लेके जाना है, रॉयल बैटल में लेके जाना है, और वो पोच देगा ओपोनेंट की टीम को। अगर किसी भी हार्ड मतलब ग्रास रूट यूजर को लग रहा है कि गेम उनके साथ नाइंसाफी कर रहा है, तो गेम ने आपको तीन ऐसे पोकेमोन दिए हैं जिसमें से एक तो निठल्ला है, एक्सरस को छोड़ दो, पर पहला वाला एक्सरस भी अच्छा था, तो तीन ऐसे पोकेमोन से आपके पास जो अकेली सफाई कर सकते हैं पूरे टीम का, ऐसा कोई भी पोकेमोन नहीं है जो मेरे ख्याल से लैंड्रो से ज़्यादा बेहतर हो फिलहाल, और ये एंथरनाटस या फिर जो भी पोकेमोन का नाम इससे ज़्यादा बेहतर हो, या फिर और भी कोई आपके पास पहले भी टापू कोको था या फिर उसका काटना या फिर जो भी उसका नाम है वो भी था, वो भी बहुत ज़्यादा अटैक होल्ड करता है, ये भी बहुत ज़्यादा अटैक होल्ड करते हैं, पर सच बता रहा हूँ ये लैंड्रस कैड आएगा अभी से बता रहा हूँ, अगर इनकेस किसी ने बना लिया ना भाई, मेगा ही बना लिया तो समझ जाओ, अगर अडेप्टिबिलिटी शुरुआत में ही होगी तो बहुत अच्छा, अगर आर टू बनने के बाद ही होगी ना, तो मैक्सिमम प्लेयर्स तो बनाने में लग चुके होंगे, पर मैं सच बता रहा हूँ एज ए लैंड्रस लवर मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि कभी ना कभी अगर मौका मिलेगा, इवेंट में बहुत सारे लैंड्रस आते हैं तो मैं ज़रूर एक ऑटो बनाता, पर जब मैंने इस लैंड्रस को देखा मेरा मन यही कर रहा है कि बहुत सारे ट्रेजर डिटेक्टर्स को सेव करूँ, 1000-2000 कर दूँ, और जिस दिन मेरे को ये लैंड्रस दिखे भाई मैं इसी को ले लूँ, मेरे को स्काई डायग्राम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये मेरी टीम में होगा, तो बस मेरे को कहीं से एक बार मौका मिल जाए रॉक पॉलिश करने का, उसके बाद भाई खत्म है, पूरा ओपोनेंट का टीम ही खत्म है, मज़ा ही आ जाएगा भाई ऐसे बैटल करके। पर सच बताऊँ मैं,
कि मेरे को आज तक जितनी पोकेमोन दिखे हैं ये हम सबसे ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू द ब्लैक लैंड्रस या फिर जिसे हम डार्क लैंड्रस कहते हैं या फिर जो भी डेविल लैंड्रस जो भी उसका नाम है उससे भी ज्यादा बेहतर है भाई। उसका तो अटैक उतना नहीं है जितना इसका मेगा में पहुंच जाता है भाई। ठीक है आसपास है पर मेगा इतना ज़्यादा अटैक होल्ड कर रहा है भाई किससे चाहिए हार्ड टू। अगर मैं कैसे भी एक मेगा बना लेता ना तो मेरी बहुत खुशी की बात होती। अनफॉर्चुनेटली ये TDS में नहीं आया, ये आया 12th में। पर ठीक है एटलीस्ट एक हम लेके देख सकते हैं। मैं अपने VIP जीरो में एक ज़रूर लूँगा और देखूँगा एबिलिटीज़ क्या है। अगर कूल एबिलिटी होगी ना भाई सच बता रहा हूँ मैं सेव करने मेरे को बहुत सारे TDS सेव करें और जिस दिन मेरे को ये पोकेमॉन दिखा मैंने लपेट लेने हैं जितने हो सके क्योंकि पोकेमॉन डेफिनेटली वर्थ द टीम में रखने लायक है। और अगर फ्लावर वाइल भी होता है या फिर अडेप्टेबिलिटी होता है ये मेरे टीम में भी होगा पक्का पूरा पक्का। तो अभी मैंने बता दिया कि क्या ऐसा है क्या क्या होगा मतलब इवेंट कब तक चलेगा कब तक रहेगा। आप लोग आराम से 7 दिन का एंजॉय करो बहुत पोकेमॉन्स आएंगे। अभी एक और एक्सचेंज आएगा और उसके बाद मैं एक चीज़ बता रहा हूँ ना थर्सडे के बाद शायद फ्राइडे का एक और आपको इवेंट देखने को मिलेगा। इस फ्राइडे को नहीं आने वाले फ्राइडे को ठीक है क्योंकि ये तो तब तक चलेगा ना थर्सडे तक तकरीबन थर्सडे तक चल ही जाएगा। उसके बाद वहाँ पर और एक इवेंट देखने को मिलेगा और क्रिसमस इवेंट भी बहुत पास है और एक इवेंट आएगा जो बहुत ज़्यादा लंबा होगा तो शायद ये वही है। पर एक और लंबा इवेंट आना चाहिए जिसमें आपको फ्री में इवेंट आइटम्स मिलेंगे वो 7 दिन का लॉगिन वाला वो अभी तक नहीं आया उसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। पर लैंडर्स कूल है मैं खुश हूँ भाई ये पोकेमॉन से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और हमें पता चला कि होंडुंग जैसा एबिलिटी उस टोर्नाडोस के पास है तो लैंडर्स टोर्नाडोस और थंड्रोस ये थोड़े अमेजिंग साबित हो रहे हैं अभी फिलहाल इस वक्त पे। तो फाइनली ऐसा लग रहा है ना कि यूनोवा के पोकेमॉन जो थे वो एक्चुअली लाइक थे और हमने बस ऐसे ही उन्हें नहीं देखा पर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है देख के। होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।